अक्की जी, ये क्या कर रहे हो? वीडियो शुरू हो चुकी है। वो मैं धरती माता की परिक्रमा कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे मेरा आज का शीर्षक। जी हाँ, आज का शीर्षक है परिक्रमा, अर्थात ये परिक्रमा क्यों की जाए। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, मानो या न मानो सेक्शन में एक नई चीज। इसलिए आइए इस वीडियो को शुरू कर। आप जानते हैं ईश्वर की आराधना के अनेक तरीके हैं। इसमें पूरे विधि विधान से पूजा करने से लेकर व्रत रखना भी भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है। इसके अतिरिक्त परिक्रमा करना भी एक तरीका है भगवान को याद करने का और उनसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर। परिक्रमा के लिए संस्कृत और वेदों में प्रदक्षिणा शब्द प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, प्रगतम दक्षिणम इति प्रदक्षिणम, अर्थात अपने दक्षिण भाग की ओर गति करना ही प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, प्रा और दक्षिणा। प्रा का अर्थ है आगे बढ़ना और दक्षिणा का अर्थ है दक्षिण दिशा, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ना ही प्रदक्षिणा है। जब भी हम जिस चीज की परिक्रमा करते हैं तो वह चीज हमारे दाईं ओर स्थित होती है। जैसे मंदिर है तो मंदिर में भगवान हमेशा दाईं ओर गर्भगृह में स्थित होते हैं। मान्यता है कि परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में ही की जाती है, तभी हम दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं और भगवान हमेशा हमारे मध्य में उपस्थित होते हैं। परिक्रमा करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि भगवान हमारे केंद्र में स्थित। यदि हम इसी स्थान से गोलाकार दिशा में चलें तो हमारे और भगवान के बीच का अंतर और फासला एक समान रहता है, ना दूरी घटती है और ना बढ़ती है। इससे हमें यह अनुभव होता है कि भगवान से दूर नहीं है और हमारे हृदय में ये भावना बनी रहती है कि भगवान हमारे ही आसपास है। परिक्रमा केवल पारंपरिक आधार पर ही नहीं की जाती, बल्कि इसे करने के और भी कारण हैं। कारण और लाभ जानने से पहले हमें इसका इतिहास जानना अति आवश्यक है। इसके पीछे एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का आदेश दिया और उन्हें कहा कि जो भी तुम दोनों में से सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा वही विजेता होगा और वही हमारी नजरों में। आदेश पाते ही कार्तिकेय जी तुरंत ही अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए तुरंत निकल पड़े, किंतु गणेश जी वहीं पर रहे। उन्होंने इसको पूरा करने के लिए कुछ अलग ही तरीका निकाला। सर्वप्रथम उन्होंने अपने हाथ जोड़े और माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा। कार्तिकेय जी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापिस आए तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गणेश जी से पहले कैसे पहुंच गए। फिर गणेश जी स्वयं बोले कि उनका संसार तो स्वयं उनके माता पिता है, तो उन्हें पृथ्वी का चक्कर लगाने की क्या आवश्यकता। यह कथा हमें भगवान गणेश की सूझबूझ के साथ परिक्रमा का महत्व भी समझाया जाता है कि तभी से ही भगवान की परिक्रमा करने की रीति प्रारंभ हुई। मान्यताओं के अनुसार केवल भगवान की ही नहीं बल्कि अन्य कई और वस्तुओं की परिक्रमा की जाती है। जैसे विवाह मंडप में वर और वधु अग्नि की परिक्रमा करते हैं, पीपल और बरगद की परिक्रमा की जाती है, वैसे ही तुलसी मैया की परिक्रमा की जाती है और शिव मंदिर में शिवलिंग की परिक्रमा करने का भी विधि और पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है। परिक्रमा करने के बाद हमें उस ऊर्जा का अनुभव होता है, मंदिर में उस ऊर्जा का विक्रमण होता है। इसीलिए हम हमेशा दाईं ओर से परिक्रमा
आरंभ करते हैं। इसका आशय बस यही है कि उस तत्व की ऊर्जा हमारे अंदर सही दिशा से प्रवेश करों में परिक्रमा करते हुए हमें यह मंत्र जाप करने का निर्देश किया गया, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। मेरे द्वारा जाने अनजाने और पूर्व जन्मों के सारे पाप प्रदक्षिणा के यानी कि परिक्रमा के हर एक कदम से नष्ट हो जाएं। अब हम शुरू करते हैं हमारा नया सेक्शन मानो या न मानो। आज मैं आपको बताऊंगा कि किनकी कितनी परिक्रमा पुराणों में माता रानी की एक परिक्रमा, हनुमान जी और गणेश जी की तीन परिक्रमा, विष्णु भगवान की चार परिक्रमा, सूर्य नारायण भगवान की चार परिक्रमा, पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करने का विधान है। भगवान शिव की यानी कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी जल धारा को नहीं लगा। आपको यह वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।